सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताऊंगा आपको 28 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, वेडनेसडे के मार्केट में कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको जो अपनी इस वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में आज के मार्केट के लिए, तो उसमें से सिर्फ एक HDFC बैंक था जिसका टारगेट हमें अचीव होते हुए ना दिखा और स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिख गया। पर जो मेरे कुछ व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे कमेंट करके लिखा कि हमारे 3 ऐसे स्टॉक्स थे जिनके टारगेट हमें हिट होते हुए दिखे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी, आपने निफ्टी और हमारे स्टॉक्स को फॉलो करा होगा, तो देखा आपने कि आपको सारे टारगेट्स अचीव होते हुए दिख गए। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके आपको पहले टारगेट अचीव होते हुए दिखे होंगे, दूसरा टारगेट अचीव होते हुए नहीं दिखा होगा, पर आपको टारगेट जरूर अचीव हो गए होंगे और स्टॉप लॉस बाद में हिट हुए हैं जब सबके टारगेट्स हिट होते हैं। तो आप वीडियो को एक बार वॉच वापस करके देखिए, आपको शायद कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। हमने देखा कि मैंने आपको मार्केट में बताया था कि शायद ऊपर जा सकता है मार्केट और हमें टारगेट्स बैंक निफ्टी के तो अचीव होते हुए दिख गए, पर जो 10,230 था वहाँ तक बैंक निफ्टी नहीं जा पाया, वो भी 10,200 तक जाके उसने बाउंस बैक दे दिया नीचे की ओर। तो अब कहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकता है, चार्ट स्ट्रक्चर से एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ जा सकता है, वो मैं आपको आखिरी इस वीडियो में बताऊँगा। और पहले 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। वेदांता, अदानी इंटरप्राइजेस, SPTL सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मदरसन सुमी, सिन फार्मा, ये 5 स्टॉक्स हैं बाय सेल की साइड में। वेदांता बाय करने की सलाह 219.10 294 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 283.70 का लगा के चलना है आपको। अदानी इंटरप्राइजेस सेल करने की सलाह दी जा रही है 157.70 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 155.80 का लगा के चलना है, सॉरी 163.15 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। SPTL सिंटेक्स प्लास्टिक पे बाय करने की सलाह 59.30 60.60 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 56.70 का लगा के चलना है आपको। मदरसन सुमी सेल करने की सलाह 313.40 309 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 318.90 का लगा के चलना है। सन फार्मा सेल करने की सलाह 501.60 497 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 508.25 का लगा के चलना होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं अगर आपको चार्ट्स में बताता तो आपको यही बताता कि जो एक जब से मार्केट ने फॉल गिरना शुरू करा था, जब से मार्केट गिरना शुरू हुई थी उसके बाद से हमने देखा था कि कुछ टाइम ऐसा आता था या 2 या 3 दिन ऐसे आते थे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती थी, उसके बाद हम सोचते थे कि अब रिकवरी आ गई और फिर वो नीचे की तरफ चली जाती थी। तो वही अब सेम हाल हो गया, हम देख सकते हैं कि शायद कल एक मार्केट रेंज बाउंड में रहे या थोड़ी ऊपर नीचे हो, उसके बाद हमें शॉर्ट करके ही चलना और मार्केट ज़रूर देख लेना, परसों मार्केट ज़रूर गिरेगी। तो शायद कल निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में रह सकते हैं या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको आपको कल के मार्केट में वॉच करके चलना होगा कि क्या मार्केट रिएक्ट दे सकता है। मुझे तो लगता है कि 10,230 का लेवल शायद कल मार्केट अचीव कर ले, 10,120 का अहम लेवल है सपोर्ट का, उससे आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। बैंक निफ्टी बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको 24,600 तक के लेवल्स शायद अचीव होते हुए हमें दिख सकते हैं, वरना थोड़ी आसपास अचीव होते हुए दिख जाए, स्टॉप लॉस 24,330 का स्ट्रिक्ट मेंटेन करके रखना है आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए मेरी वीडियो में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो, अगर आपको प्रॉफिट होता भी है तो आप एक लाइक बटन दबा सकते हैं मेरी वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस में आप हर दिन पा पाएँ। एक बात और बताना चाहूँगा आपको मैं, जो 5 जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जो प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने गिरना शुरू करा और अभी तक गिर रही है, और क्यों अभी तक US की मार्केट भी गिर रही है उसके साथ साथ हम भी गिर रहे हैं, तो वो मैंने वीडियो बनाई भी, आप यहाँ देख सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इन्वेस्टर्स को वॉच करना चाहिए और बिगनर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें मार्केट के बारे में पता चलेगा कि वो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर रिएक्ट कर रही है, क्या न्यूज़ फ्लो है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रही है। बिगनर्स की उसमें से नॉलेज बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स को सब नॉलेज गेन होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। कल मिलता हूँ मैं शिवांश भसीन आपके साथ, साइनिंग ऑफ।